बिना लाइसेंस का हथियार है वो तो हमारा। गंडे वो काटते, लकड़ी वो काटते, ये आदमी वो काटते, पशु वो काटते। दिन चलो ये जाट है, हाँ नहीं समझ में, इनका काम जो है कि है बोला। अरे मोदी योगी भी आ गए, खालो जी कट नहीं देते, नहीं जो कट के खिलाफ है उसे बिल्कुल नहीं देने के। आना के तो हम चढ़ना शुरू है, परेशान चलना शुरू है नुकू भाई, आमना सामना तो कुछ है ही नहीं। तू क्या कह रहे हैं जाट को भैया 16 × 8 मतलब उल्टा ही चलेगा। हम मानने वाले थोड़ा है, हम होगा मेरी डोड़ काट ली, मेरी डोड़ काट ली सुनिया भी होगा, तहसील में कचहरी में डोड़ हो गई, मुकदमे चले हैं सब है, तो इसे के काट तो हमें डर लगेगा कुछ भाई। नमस्कार दोस्तों, शामली के गांव बाजू में अभी भी धरना चला हुआ है और किसानों की मांग है यहां भी एक कट हो। कुछ ही दूरी पर गांव सिसोली है जिसे किसान अपनी राजधानी कहते हैं, अपनी राजधानी समझते हैं। किसानों की मांग है दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उस पर एक कट इसलिए होना चाहिए ताकि यहाँ के किसान उससे चढ़ सके और फिर दिल्ली देहरादून तक जा सकें, लेकिन अभी भी प्रशासन इस बात पर अड़ा हुआ है कि यहाँ कट नहीं मिल सकता। वहीं दूसरी ओर किसान भी इसी चीज़ पर अड़े हुए हैं कि हमें भी कट लेना ही है, अंजाम चाहे जो हो। हम लगातार यहाँ आकर कवरेज कर भी रहे हैं, किसानों से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसानों की यही मांग है कि कट हर हाल में होना चाहिए और जब तक कट नहीं मिलेगा तब तक धरना चलता रहेगा। अब आपको दिखा दें, ये थोड़ी दूरी पर यहाँ से आपको एक ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी यहाँ से होगी और कुछ ही दूरी पर ये पुल बना हुआ है जहाँ से जो हमसे लगभग 50 मीटर की दूरी पर है, इससे उधर रोड बन चुका है। और अगर इधर की बात करें, इधर भी लगभग 100 मीटर पर रोड बना हुआ है, दोनों तरफ यही हाल है, लेकिन फिर भी किसान इस छोटे से टुकड़े को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हमें कट मिलना चाहिए और कट इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ किसान, दूर से आने वाला किसान, दिल्ली से होकर देहरादून से आने वाला किसान जल्दी से गांव सिसोली में पहुंच सके। लगभग यहां 70 गांव बताए जा रहे हैं जो इस कट से जुड़ जाएंगे। हालांकि एक्सप्रेसवे का पूरा चैप्टर ही अलग होता है, लेकिन फिर भी किसान, क्योंकि यहां ज़मीनें किसानों ने दे रखी हैं, किसानों ने अपनी ज़मीन दान देकर सरकार को, और दान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही वो ज़मीन है, यही वो उपजाऊ ज़मीन है जिससे किसान सोना उगलता है, सोना उपजा लेता है, लेकिन फिर भी अभी भी धरना चला हुआ है। अब जो धरने में चलेंगे और किसानों से बात करेंगे, उनको क्या लगता है, क्या कोई आश्वासन मिला है? जिस तरीके से कुछ दिन पहले शासन, प्रशासन और किसान दोनों, यानी शासन और प्रशासन और किसान आमने सामने आ गए थे, क्या उससे कोई बात बनी या कोई बात बिगड़ी? अब हम चलते हैं किसानों के पास और सीधी बात करते हैं। देखो ऐसा है, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अंकल जी कितने दिन हो गए बैठते हो? अरे हम तो अगले साल के ना के बैठे, इस साल का तो पता नहीं कितने दिन हो लिए, मगर एक साल और रहेंगे भी, तो इरादा सा बना के बैठे। मतलब साल भर का जुगाड़ कर क्या पूरा? यू तो बीत के 25 का भी इरादा है, हाँ मगर बजे में रहे, इतने सरकार मानने नहीं, हम भी नहीं मानने, इरादा तो यू है। यू क्यों, इरादा क्यों बनाना पड़ा भाई? इरादा तो नू बनाना पड़ा, चौधरी बेईमानों की सरकार है, सुनने वाला कोई है नहीं, इरादा तो नू बनाना पड़ा, मान जाती अथवा इरादा तो कुछ भी नहीं, तो हम भी चढ़ते उतरते, लोग तो पब्लिक जाती भागी इस साइड साइड, ऐसा इरादा बनाया सरकार ने, बनवा दिया इरादा तो। तो इब्जा क्या लग रहा है, आपने जैसा ठीक है साहब कह रहे थे कट तो होगा रहेगा, सरकार कह रही है कट होता नहीं, वो तो हो रहा
कट तो हो रहा है समझ पर थोड़ा सा तार कोल सा अपने आप गिरना है अंको कटना भी बना लोगे बना लेंगे नहीं बन रहा समझ वो कच्चा सा तो पक्का करना वो कच्चा सा पक्का करना बस और वे मोहर सी मार देते तो उनकी भी रह जाती नहीं मारी तो है ही नहीं मारी तो है ही। अच्छा कुछ दिन पहले यहाँ प्रशासन भी आया क्या हुआ उस दिन आना कहता हम चढ़ना शुरू है प्रशासन चलना शुरू है नू भाई आमना सामना तो कुछ है ही नहीं हम अंगे तो ऊपर आने चालू है वे नू को चलने चालू है इधर बात ही कितनी पुलिस आ रही थी लगभग पुलिस तो दिखावे की तो भीड़ थी बतेरी पर इरादे का तो कोई नहीं था उनमें मारे डाला हम तो इरादे तो चले वे तो बन सोचे पुलिस के वर्दी तो डर जाए आमना सामना हो जाता 3 किलो ईंट थी 3 किलो की ईंट ईंट तो थोड़ी पूरा पट्टा है पट्टा का पूरा और बंदूक ले रहे हम यहाँ ईंट ही हमारे द्वारा दो बट्टे हमारे द्वारा मार सकते हम नहीं गलत है ना प्रशासन के सामने आना क्रांतिकारी भूमि है यहाँ तो चले जो कुछ भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो होना हुआ कहानी यही लिखी जा सरकार ने सोच रही पहले ही नहीं दबा लबने वाले दबने वाली तो यहाँ स्थिति कोई है ही नहीं जो कारण क्या है दबना दबने का दबना के जाट है इरादे तो लगड़े ने यहाँ तो जो कुछ भी काम हो इरादे तो हो अरे इरादा पहले बना ले जब कट का बना रहे क्या कट लेंगे एक बार जरूर भी आवेंगे बस उस दिन आर पैर हो जाएगी वे भी चले जाएंगे ऐसे उनके पे तो मानते नहीं पा कटने देना ही पड़ेगा तो बात है मतलब कट लेने का कारण क्या है कट चाहिए तो जब हमने यह इतनी उपजाऊ भूमि अपनी दी और हमें इसका लाभ ना मिले फिर मैं देगा फायदा क्या हुआ रपे के ना कि थोड़ा देखा पैसा ले ले और पैसे के उसने जमीन दे दी भाई विकास तो हमें भी चाह और फिर जब जो सारी बात तय हो गई तो काम चालू हुआ था इस पर कट देंगे तो डीएम ने फाइल डीएम ने फाइल भेजी थी आगे जसमीत कौर ने फाइल भेजी थी यहाँ से कि कट आपको मिलेगा उसके बाद में काम शुरू होगा और बताओ क्या है आश्वासन था तो मट्टी बाद में पड़ी थी पहला आश्वासन नहीं लिखित पक्का वादा करके गई थी डीएम यहाँ से 100% कट दूंगी यहाँ ईवीए नवे आते गए और बस सरकार मुकरती गई तो मान सम्मान की बात है उसकी बात के ऊपर तो हमने यहाँ कह दिया काम चालू करो ये काम चालू हो गया बन के तैयार हो गया सोचे बस हफ्ता पहले से बना कर तैयार कर लिखड़ लो इन्होंने लिखड़ा जाने का जो वादा कर रखा वो पूरा करना पड़ेगा सरकार को नहीं तो मैं 100 मीटर का तो टुकड़ा रह रहा हूँ बनवा देते ना तो नहीं बनवा इसमें होना जो कुछ भी जंग होनी 100 मीटर में होनी 100 मीटर तो बाहर नहीं होनी जंग सरकार तो जो होगी आर पैर 100 मीटर में होंगे योगी जी हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी अपना ही है वोट हमने दे रखी उसे हमने बनाया मारा है मुख्यमंत्री वह पर उसे हमारी भी तो सोचनी पड़ेगी भाई वोट हमने दी तो वो कम दम हमारे बारे में तो सोचेगा पहले भी आपने ये कह रहे थे मोदी जी तो मैंने वोट दे रखी फिर एक साल एक महीना बैठ का ये धरने पे हो जा चूक का दी भी सरकार ते भी चूक हो जा नहीं जुगा नहीं और फिर जो है उसे बात बताई हमने मगर जो हमने वोट दे रखी तो तुझे हमारी भी माननी पड़ेगी मनवा के जीवी तो आए मैं तुम कह रही तपस्या में कमी रहेगी तपस्या उनने करी हमारी भी तपस्या में कमी रहेगी होगी हो सके उस कमी को क्या कर देंगे पूरी क्या कह रहे आप नहीं काले कानून दे वापसी वे हुए नहीं के वापसी कानून मानना नहीं मोदी मोदी तो झुका आकाश करो क्या गान के आकाश कर झुका बात मनवाया गई तो है जी क्या कर अंकल जी बात मनवाया गई तो अंतर धरना ठहरा आए थे तो अब क्या यहाँ की क्या तैयारियां हैं और है कट लेंगे कट लेंगे 100 की 100 बिना कट के उठने के नहीं अंदर 100 के भी कुछ आगे लगता हो वो इरादा है 100 तो वही आदमी कह दे 100% लेंगे 100 तो आगे का इरादा है और 5-6% बढ़ाने का इरादा पांच चार के जितनी भी बढ़ेगी उतनी बढ़ाऊंगे हम तो इरादा तो बैठ गए वो निक भाई आज बैठ गए उठ के चले गए बस आर पैर की या तो सरकार मट्टी मारे ऊपर गिरेगी और नहीं मट्टी सरकार के ऊपर गिरेंगे पड़ेगी जरूर उस दिन तो ट्रैक्टर ट्रोली लगा दी थी आज ऐसा रास्ता बंद कर दिया था फिर एकदम ट्रैक्टर ट्रोली भी आ गए हाथ नहीं आऊ जाएंगे तो सब साधन अपने ही तो है फिर आ जाएंगे एक बार ही तो कहना फोन करना लोन से नहीं करना फोन करना अड़ंगा उठे चला हुआ सरकार के सामने हाँ चलो भाई इधर भी कुछ खड़े भाई और बात कर लें हम बात करने चले फिर ही छीदे हो जहाँ देखो बैगली नहीं यह है सिस्टम यू सिस्टम भी समझ में नहीं आ रहा मेरी असल में
हम किसानों से इसलिए भी बात करनी चाहें ताकि उनके जो दिल की जो बात है वो बाहर आ सके, लेकिन फिर वो ही वो चलो चलते हैं आओ अब हम चलते हैं तो इधर अब इधर चलते हैं हम भी। इधर पाजी खड़े हुए हैं, पाजी दे नाल गल करेंगे। हाँ जी पाजी सत श्री अकाल, चंगे हो? हाँ चंगे है। की नाम है तुहाडा? मेरा नाम जनरल सिंह। तो तुसी कित्थे रहंदे हो? बाजू में रहता हूं। इत्थे ही? हाँ। डेरा वेरा है कोई? नहीं घर है अपना पिंड दे ही। तो तुहानू की लगता है मिल जाएगा कट? कट तो मिलेगा, कट तो लेके रहेंगे ना, सब किसानों की मांग है अपनी, दूर दूर लोग का किसान इकट्ठे हैं सब संगठन में। हाँ, और कट के लिए लड़ाई लड़े, और कट जो है 100% मिलेगा बिल्कुल पक्का। लगता थानू मंजेगी सरकार? हाँ बिल्कुल मंजेगी। बस देखो हमारी बात माननी पड़ेगी सरकार को, हम लड़ाई अपने कट के लिए लड़ रहे, और इसमें सभी अक्षेत के दूर दूर लोग का सब किसान इकट्ठे है, और सबकी यही मांग है कट के लिए, तो कट तो हम लेकर रहेंगे बिल्कुल, चाहे हर हालत में, चाहे कुछ भी हो उसमें, चाहे हमें कुर्बानी भी देनी पड़े, कट हम लेकर रहेंगे। मतलब कट के लिए कुर्बान भी हो जाओगे? हाँ, कुर्बानी भी हो जाओ, चाहे कुर्बानी। क्या कारण है जी कुर्बान होने का? क्या कारण है कट के लिए? नहीं, हम तो कुर्बान होता है पहले से। देखो इंदिरा, इंदिरा को देखो, इंदिरा के लिए कुर्बानी दी हमने तो, दी नहीं बताओ दी नहीं क्या? हाँ हम तो जो है हमारी लड़ाई कट की है, सब किसान इसीलिए इकट्ठे हो रोज यहाँ, और धरना भी है अनिश्चित काल के लिए आई, और कट जो है हम ले करेंगे हर हालत में बिल्कुल। हाँ, और हमारी बिल्कुल दिले हार्दिक इच्छा भी है, और हम कुर्बानी देने लोग भी तैयार है इसके लिए, भला भाई। हाँ, चार बारे दसमेश पिता ने जीवत कई हजार, कारगिल विच जेड़ा दी छाती तांसी बन जाए दीवार, गुरबाणी ते लड़ लग गया बाबे नानक ते पैरोपकार। हाँ हाँ भाई हाँ, असी सरदार हैं। तो इधर ताऊ, ताऊ जो है ताऊ का फोटो लेंगे, जो ताऊ तो काम है सरंगे में, कायम है इसमें जो धरना दे रहा। कहाँ दे रखा? यहाँ से इस पे सड़क पे। ये तो तुम बताओ कितने लोग चलेगा? ये तो जिम्मा जैसा लगे सालू चलवा वगा दिखे तू, दिन से क्यों नहीं आता? 2 बजे बताना पड़ेगा कब जा? हाँ गात कर मार यहाँ लोगों का, तो इस टाइम नहीं होगा ठंडा कभी मुझे रगड़ दे। नहीं तो जनी रगड़े ये, और इसे उन्हें कह सुने का काम को निमटवा। हाँ चाचा भी तब तक ताश खोल लेते ना, तब मैं उन्होंने बात करता बीच में, के लगाए फिर कैसेगा? अरे हम तो ठहरती है कभी लोग को चलाओ जाओ, हमें कोई जोको नहीं। पकौड़ी भी चल रही, समोसे भी चल रहे, ब्रेड भी चल रहे, बर्फी भी चल रही, यहाँ तो मजा नहीं आ रहा जी। अरे मोदी योगी भी आ गए, खा लो जी, कट नहीं देते। नहीं जो कट के खिलाफ है उसे बिल्कुल नहीं देने के, जो कट के खिलाफ है देंगे लट, उसे जो हमें देने का नहीं कट उसे देंगे लट। उलट भी रखे गए दे रहे, हो जाए तो किसानों के तो तैयार हो जा, किसानों के तो घेसड़ा है के अलर्ट है, तोड़ ले बेचारे, ये तो गांडे तक काम कर ले बेचारे, कोई ऐसी बात नहीं, इनका तो गांडा भी लट सा ही हो, इतना मोटा मोटा हो, चुमासा ठहली है सब, इतना मोटा मोटा हो। और फिर उसके बाद में जो उनसे मतलब छोल वाले हैं वे गांडे गुंडे तोल के जिबा जाया करेंगे, और जो उनसे मेरे की डाले ठहली में अपना ताश खेल जाया करेंगे, फिर लोग तो ठल वे जाए बैठे हमें तो कुछ ही माल ठंडवे खड़वे वाले भी हम ही है। हाँ तो के लगा मिल जाएगा नहीं कट? बिल्कुल मिलेगा, ये कौन सी बात हुई? मैं ये सब महेंद्र सिंह टिकेत के अनुयायी है और नरेश के भाई है, नरेश टिकेत के भाई है और महेंद्र सिंह टिकेत के सिपाही है, ये हटने वाले नहीं अनुयायी जो है महेंद्र सिंह टिकेत के भाई नरेश टिकेत के और सिपाही राकेश टिकेत के, टिकेत गौरव टिकेत के, वो तो भाई जाग तो भाई राख तुम्हारे, और फिर वो भी उन्हीं की बराबर का है, कोई बात नहीं। तो ताऊ नु कह रहे न तो योगी जी मन न करते और न मोदी जी मन न करते, मान्य हम भी नहीं करते थे, मान्य हम भी नहीं करते जी, योगी जी नहीं मानते, मोदी जी नहीं मानते। जाट को क्या कह रहे हैं? जाट को कह 16 दुनिया 8, मतलब उल्टा ही चलेगा, हम मानने वाले थोड़ा हैं। अरे जमीन मेरी है और कट भी मारा ही है, लेने देने वाले और हैं, लेने वाले हम हैं। या तो थोड़ी सी इंतजार कर रही है, एक दो बिन्ने की, अभी फावड़े मारे धो रहे, खुरपी मारे धो रहे, दांती मारे धो रहे, ये आदमी मारे धो रहे, एक मिनट का काम सारा ही है, कोई ज्यादा नहीं।
मतलब एक सेकंड का ही काम है, कट बनाने का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। बस चोज साहब ही सारा कर दे, ये जो से लेंटर पेंटर से गए रखे ना, इसे दो घंटे काम है। सर ये पर ये ले जाओ घर, ठा ले जाएंगे बिटाव दे, ले गए थे ठहर बिटाव दे छोड़ दिया गई देख क्या था, यहाँ भी छोड़ने का, यहाँ भी छोड़ने का अड़ंगा संग दो ढेर ऐसे है जो बाट में खड़े बोले चलो धक्के ही दे देंगे, धक्के तक तोड़ देंगे, तो छह पिया एक भिगोना तड़की को चौक में बनाकर थड़े को ले जा करेंगे, फिर कट की जरूरत है ही नहीं जी, यहाँ कुछ छोड़े ही नहीं। ये तो किसान है, हम लोग किसान है, हम डोल नहीं छोड़ते आपस में, तो सड़क ऐसे के छोड़ देंगे, खुरपी डाल उड़ा जाएंगे और रास्ता बना लेंगे आने जाने का। और किए दे उस तो बत्ते हम के कर सा हमें तो नुड़ा नुड़ा जाने एक नुड़ा ले बैरी नुड़ा ली मगी नुड़ा ली इस सड़क को नुड़ा लेंगे तो डेटी लोग का कतलेआम होगा। मेरी डोल काट ली, मेरी डोल काट ली सुनिया भी होगा, तहसील में कचहरी में डोल गई मुकदमे चले हैं सब हैं, तो इसे के काट तो हमें डर लगेगा कुछ भाई है भाई। ये तो सरकार की, ये तो वेरी पड़ जाएगी कट्टी की कहा था कि हमें कौन सा कुछ दे दिया सरकार ने, सरकार ने की कहा था कि सरकार की कहा था कि धरती तो हमारी है भाई, हम सरकार पर तो सरकार मारे थे, मारे बिना सरकार आई कहा था है भाई, अगुया की सरकार मारे बिना आई, सरकार तो हमने बनाई होगी, जनता ने ही बनाई होगी है, और जब जनता ने बनाई जनता उसे घेरनी भी जड़े, सरकार अपना इतना घमंड कर रही है, गिरी कहाँ है लोग, घेर देंगे नहीं गिरी घेर देंगे, अटका वीर जीत गए, सुन ले पांच साल है, पांच साल में 400 पार 240 आई है, इबकत 500 पार होगी, इबकत 100 ही आवेगी, और भाई गिरी गिराई और आगे के रहे जगह, इनका घर भेज दोगे, इनका घर धरी जात तू ही तड़की करवा ला लक्षण, तड़की करवा ला लक्षण, जैन चौधरी तो खेल जा लिए, जैन चौधरी जी तो खेल जा लिए उनकी, जैन चौधरी जा लिए, जैन कुछ उनसे अल्लाह परसे देगा उन्हें जिता देंगे बाकी हरा देंगे, वो तो हमारी मुट्ठी में जैन तो महाराज तो भेजा हुआ है भाई, जैन कौन सा बिना हमारी सलाह आगे जा रहा, अच्छा पहले सलाह हुई भला, जात की सलाह, किसान की सलाह, मजदूर की सलाह, होके पाओ होके पाओ, इनकी सलाह रात को क्या करना, जिस टाइम दिन छिप जा अरे भी होके भर भर के चौतरे में बैठेंगे, हमें नू करना भाई तड़की, हमें काम करना और हम उसका उद्धार कर दे तड़की उस काम का है भाई। तो अब कितने दिन लगाया लगभग, कितने दिन चल रहा है धरना, हमारे डबते साल भर चला लो, दो साल चला लो, जिम लोग बताऊ बोलने का एक मिनट, यू कितने दिन चलो, ये जाट है हाँ नहीं समझ में, इनका काम जो है कि है बोला इनका काम की है, ये शुद्धि कर नहीं जाने की कर करे नू, अच्छा हाँ इससे हो जा शुद्धि नू ही कर दे, ये तो ये प्रधानमंत्री हो चाहे जनतरी और चाहे मंत्री है, इन जट टू चाहिए सारा, और उधर वहाँ भी जाकर बढ़ोगे कि नहीं है, देख वहाँ कहाँ जहाँ ये प्रधानमंत्री गए हैं उधर ही मतलब है, उसमें तो बाहर पाऊंगा ये उस पर पाऊंगा जमुना पे, जमुना में तो नहाने का पानी नहीं आता नहीं नहाने का, जोड़ में वहाँ ही का अरे वे जोड़ में नहाने जोग रहेंगे और कहीं में नहावेंगे वे है भाई, वे जोड़ में ही नहाने जोगे होंगे, वे गंगा जमुना में जो नहावेंगे, और आप लोगों ने कहा जोड़ बराबर हो रहा तो वे जोड़ में ही नहावेंगे और कहाँ नहावेंगे है भाई। आता हूँ गाजीपुर कितना था टेम हुआ भी नहीं बोलो सारे तो आए भी नहीं भी, हाँ आदमी बहुत घना आवेगा, ठंड होती रहेगी, आदमी बढ़ता रहेगा, हाँ उसे सरकार को नुको छतरा गिरवा दे मी बुंदी मनु को, अरे वो गिरवा दे हमारे में बात बात टूट रहा पोगे लगे छतरा सरकार दे क्यों को सारे काम सरकार कर देगी, सरकार कट नहीं देती के हैं के सरकार कट ना दे देती, कट कहां दे बस कट तो ले वेगे हम ही अरे तो मारे हाथ पार्टी रे कोठड़ा गिरने के नाम के, हम एक सेकंड में कोठड़े बनाते हैं, हम योर जाए 10 साल के लिए 10 साल के लिए बैठ गए यहां से 10 साल लिए, हां ये कोठड़े वाला के चक्कर है, कोठड़े दिया का गिर लो बताया पता कोठड़े ना हमारे दम है घेरने का, हमें कोठड़ी कहाँ जरूरत, यहाँ तो पातीपुर वाले में पढ़ने वाले आदमी है, रातू पानी चलावे और पातीपुर वाले में आ गए लोट का अपना टेम काट के तड़की फेर दांती पलगट तड़की फेर दांती पलगटी ठा दे नू है भाई, पलगटी तो चटवाली होगी बेटा तैयार, बिना लाइसेंस का हथियार है वो तो हमारा, गंडे वो काटते लकड़ी वो काटते आदमी वो काटते पशु वो काटते, वो तो ऐसा हथियार है उसमें तो किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती, कहीं बनता बोल जाना खरीद का पर लड़की पर कट जाओ तो
देखो हमारे हाथ पहला हो रहा सलेख वाला बतावे एक बार काट के ऊन संदूक में भर दिया था जो कर बेड़े बेड़े बतावे हमने देखा देखा है नहीं सुना ही है उसे भी दुए अहंकार से आ रहा था जो कर आजकल मोदी जी को आ रहा उसका भी कह रहा इन जनता ने उद्धार कर दिया था उड़ भर दिया कही था बक्से पक्से में कहीं में भरा था देखो है तो हमारी याद था पहले ही पर जैसा बड़ू बड़ू पता सुना वो ही कह रहे भाई अग्नि बिल्कुल हाँ वो चीज की तो हमें नॉलेज नहीं है बाकी कई मौत भी हटनी कट ले का मरना क्या कारण है ना हटने का नहीं कुछ भी नहीं कट लेने का नहीं हटने का ना हटने का हट जाएंगे कट दे तो हट जाएंगे जब कट नहीं देंगे हटने के नहीं है भाई मतलब बैठे रहोगे इतने बिल्कुल चार दस साल हो गए यो बिल्कुल नहीं हट लेगा चार दस साल हो गए यो आज कितना जुगाड़ होगा जाकर पीछे भूखे मर लेंगे इतने भूखे को अरे आज जाकर छोटे छोटे जाने छोटे छोटे बालक भी नूल अबे किसान के जाकर तो अंडा चूस के पेट भर ले बहुत ही खड़ा खेत में कहीं में भूखे मर लेंगे अगर जाकर भूखे मरेंगे बस कोल्लू लगा देंगे सड़क हम कोल्लू लगा देंगे यही ऊपर ही वहाँ से टिकेट बांध में एक छोटा कोल्लू है और उसे यही ठहर जाऊंगा वो ठहर ही नहीं जाऊँ और अपना गांडे ले आऊंगा ठहर के हाँ मैं देख रहा लोग नुकाय मजे ले वहाँ बैठ के पकौड़ी बिल्कुल ले रहे पिज्जे बर्गर मोमो राजा और भूखे मरेंगे हम भूखे मरने वाले आदमी इतना चला है तो एक बार बता जो हम भूखे मरते हैं जमीन इसमें क्यों देते हैं जब हम भूखे मरने लगते भैया जमीन क्यों देते इसमें या नहीं तो दी थी मगर रास्ता हो जाएगा पर इतनी तानाशाही सरकार है या वो अंग्रेजों वाली वो चले इस पर किसान का ना तो बुग्गी चले ना इस पर घोड़ा चले ना इस पर साइकिल चले हम इस पर हर रात दिन चलेंगे और जो जिसमें हिम्मत होगी वो रोक लियो रही बात कट के जिस दिन अपनी पा जाए कट लेंगे इतने इतना ठहली है बैठे अपना टेम का हटे चुमासा और करके एक बहन ही रखे चलो भाई हम यहाँ ये बाजू कट पे थे और किसानों की बात आपने सुनी और सारे जो क्या नाम है आपका मेरा उपेंद्र प्रधान है बनेडा अच्छा और आपका जी धीर सिंह आप कहाँ से हो बाजू और अंकल जी आपका क्या है राजकुमार कहते हैं भाई नाम तो राजकुमार ही है वैसे तो बातों तो भी राजकुमार थे दिल के भी राजकुमार हैं और नाम भी राजकुमार है गांव है बाजू और इब जो कट का जो मुद्दा है हम प्रयास करते हैं दरअसल कई चीज़ें हैं जो जीवन में जुड़ी हुई हैं तो उनको लेकर हम आते रहते हैं अब फिर कल फिर आएंगे और किसानों से फिर बात करेंगे दरअसल मैं जब बात करने की मैंने कोशिश की तो कुछ किसान जो है ताश खेले थे लेकिन बीच में अंकल जी जो है तैयार हो गए उधर कुछ किसान खड़े होते वो चल दिए उधर कुछ खड़े होते वो चल दिए तो फिर जब किसान नहीं बोल पाता बोल नहीं पाता बात नहीं कर पाता तो उसमें मज़ा नहीं आता लेकिन जब से इनसे बात की तब से जो मज़ा आ गया फिर वीडियो बनाने का भी हमें मतलब लगना चाहिए कोई देख रहा है और सुन रहा है और फिर कमेंट आ रहे हैं एक बार कमेंट करके आप भी बताओ कट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए यहाँ से थोड़ी दूरी के बाद शामली है इधर सिसोली है जिसको किसानों की राजधानी कहा जाता है यहीं थोड़ी दूर पर कैराना शामली भी हैं और हम क्षेत्र की और किसानों की इन खबरों को इसलिए भी दिखाते हैं ताकि सरकार तक ये बात जा सके और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सकें हम क्षेत्र में जाकर किसानों के बीच जाकर मजदूरों के बीच जाकर शोषित पीड़ित के बीच जाकर इसलिए इस आवाज़ को उठाते हैं और इसीलिए हमने चैनल का नाम भी गांव गुआंड रखा है ताकि इस क्षेत्र की और गांव गुआंड की खबर हम आपको दिखा सकें और बहुत जल्द हम ब्लॉगिंग चालू करने वाले हैं और आप हमें ब्लॉगिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं कुछ गांव ऐसे हैं जिनको हम ब्लॉग में दिखाएंगे जय हिंद जय भारत